हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है इसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी के मद्देनज़र आपकी जो पहले से तय बोर्ड एग्ज़ाम 2020 थी जिसमें गणित विषय का पेपर आपका स्थगित हो गया था, अभी नए निर्देशों के अनुसार जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है ये 18 जून 2020 को होना प्रस्तावित है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित जो सारे टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका आपको स्टडी करवाएंगे, जिसमें से आपको टॉपिक नंबर 9 से लेकर 16 तक की स्टडी मैं करवाने वाला हूँ और 1 से 8 तक की जो स्टडी आपको है वो जो हमारे साथी पवन कुमार जी है वो करवाने वाले हैं। तो साथी देखो, सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली संख्या 9 की, यानी समाकलन के बारे में। अब देखो, समाकलन में आपको सबसे पहले जो इस टॉपिक के मुख्य मुख्य फॉर्मूले वो एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेना है। जैसे आपने पढ़ा है कि एक्स की घात एन जो डी एक्स होता है उसका होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह मान लो आपको कोई कॉन्स्टेंट सी का फॉर्मूला निकालना है तो इसका आ जाएगा सी एक्स प्लस ए सी वन, मान लो इसको, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर आपको ए की घात एक्स का समाकलन करना है तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स बटा लॉग ए आ जाएगा, यानी एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेना आपको जरूरी है। इसी तरह मान लो अगर ई की पावर एक्स का आपको निकालना है समाकलन तो आएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, इसका हो जाएगा। तो ये आपने अभी तक यहाँ तक लिख दिया है। इसके अलावा आपको देखना है कि जैसे मान लो आपको निकालना है एक बटा एक्स का समाकलन तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जबकि अगर लॉग एक्स का दे तो लॉग एक्स का कभी सीधा नहीं होता, ध्यान रखना। लॉग एक्स का आपको अलग प्रकार से निकालना पड़ेगा, लॉग को फर्स्ट मान के एक को सेकंड मान, ठीक है ना, इसका सीधा नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो मतलब जो मेन फॉर्मूले हैं आपको एक बार उन सब का यहाँ स्टडी कर लेना जरूरी है ताकि वो हमारे बार फिर से ध्यान में आ जाए। इसी तरह आप जानते हैं कि जैसे साइन एक्स का जो अवकलन है वो कोस एक्स होता है, लेकिन अगर आप कोस एक्स का वापस समाकलन करोगे तो क्या आएगा, उसका मतलब उल्टा आपको पता चलेगा ना यहाँ पर। तो जैसे आपने लिखा है साइन एक्स का समाकलन करना है तो इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका माइनस कोस एक्स लिखना पड़ेगा समाकलन। इसी तरह अगर आप कोस एक्स डी एक्स का समाकलन करोगे तो इसका आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। और इसके अलावा आपने पढ़ा है कि जो टेन एक्स होता है, टेन एक्स इससे पहले आप ये जान लो कि जो टेन एक्स सेक एक्स है इसका समाकलन क्या होता है। एक बार मैं केवल आपको जो अवकलन के प्रतिलोम के रूप में है उनको बता रहा हूँ। तो ये अवकलन किसका होता है, सेक का होता है, तो इसका वापस क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह आपने पढ़ा है कि जैसे मान लो कि मेरे पास आता है sec square x dx, ये tan x का अवकलन होता है तो इसका समाकलन क्या देगा, tan x plus c। इसी तरह आपने पढ़ा है कि जो cosec square x है वो किसका अवकलन होता है, वो cot x का होता है लेकिन माइनस में आता है, तो यहाँ पर cot किस में जाएगा आपका, माइनस में cot x plus c के द्वारा। इसी तरह आपने पढ़ा है कि जो cosec x cot x होता है ये किसका अवकलन होता है, ये कोशेक एक्स का होता है लेकिन उसका अवकलन माइनस में आता है ना, तो यहाँ पर इसका समाकलन भी क्या देगा, माइनस में कोशेक एक्स प्लस सी। और ये तो आपने अवकलन के प्रतिलोम के रूप में जो सीधे सीधे होते हैं उनको पढ़ लिया है। अभी देखो इसके बाद में आप और साथ में, जैसे आप जानते हैं कि एक बटा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है ना, तो इसका वापस समाकलन क्या जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस। इसी तरह मान लो अगर यहाँ पर माइनस आता है और रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस में, ये आपका हो जाएगा क्या, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह आप जानते हैं कि जो एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर है ये टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, तो इसका वापस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आप इसका जो अवकलन है वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो क्या जाएगा आपका, मान जो कोट इनवर्स एक्स है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं उनको भी एक बार आप देखिए दोबारा से। इसी श्रृंखला में आप देखिए कुछ और फॉर्मूले, जैसे मान लो आपको करना है टेन एक्स का, इसका समाकलन होता है आपका लॉग सेक एक्स और प्लस में सी। इसी तरह आपको देखो याद रखना है कोट एक्स का, जिसका होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये लॉग का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, मापांक में आ रहा है, क्योंकि लॉग का मान कभी भी आपका ऋणात्मक यहाँ पर नहीं होता है। इसी तरह देखो आपको याद रखना है सेक एक्स डी एक्स का, इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और इसी तरह आपको याद रखना है कोशेक एक्स और डी एक्स का, जो कोशेक एक्स और जो डी एक्स की आप बात करते हो इसका हो जाएगा आपका लॉग में कोशेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये हो जाएगा
और प्लस में सी। और इसी श्रृंखला में आप देखो इनके कुछ और फॉर्मूले देखो वो भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लो इसका होता है log टेन एक्स वाई टू प्लस फाइव बाई फोर भी आपको याद रख सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका टेन log टेन एक्स वाई टू प्लस सी। तो देखो ये भी आप इनके तो फॉर्मूले हैं वो इस तरह से, इनके तो और हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। तो ये तो आपके यहाँ तक फॉर्मूले हो गए। इसी श्रृंखला में देखो आपको और याद रखना है, जैसे एक होता आपका dx बटा x रूट x स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा आपका sec इनवर्स x प्लस सी। और यहाँ पर अगर माइनस में आता तो क्या मिलेगा, cosec इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ फॉर्मूले थे जो आपके उसके मतलब अवकलन के प्रतिलोम के रूप में थे। अब देखो कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी देखो आपको ध्यान में रखने हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले देखिए आप उनको, देखो इसी श्रृंखला में आपको कुछ और देखो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं। जैसे मान लो एक आपका होता है डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है एक बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। और इसी तरह देखो आपको उसमें याद रखना है डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी तरह आपका होता है इसमें डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स प्लस सी। ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये देखो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, इसके अलावा देखो आपको और भी कुछ फॉर्मूले देखो ध्यान में रखने हैं। जैसे अगर मान लो रूट वालों की बात करें तो इसे आपका एक तो आता रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता आपका क्या साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है ना, तो आप इसका क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बटा ए, जो इसका फॉर्मूला है वो आप लिख दोगे यहाँ पर, तो आपका मन आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। इसके अलावा देखो आपका ये आता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है लोग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। इसी तरह आपको याद रखना, जैसे मान लो डी एक्स आ रहा है बटे मेरे पास है, यहाँ पर रूट में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका बचेगा लोग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले हो गए आपके। और इसके अलावा देखो आपको कुछ और भी फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, तो देखो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। देखो वो आपके तीन लंबे वाले फॉर्मूले हैं, वो तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो तीन लंबे फॉर्मूले कौन से हैं देखिए आप उनको भी एक बार। तो देखो इसके अलावा आपको ये तीन फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं, जिससे मान लो मेरे पास रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है एक्स अपॉन टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी होता है। उसके बाद में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का होता है एक्स अपॉन टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। इसी तरह आपका ये माइनस वाला ही हो जाएगा, तो इसका ये होता है, तो ध्यान रखना इन दोनों का तो आएगा आपका लॉग की फॉर्म में और इसका आएगा आपका साइन की फॉर्म में। ठीक है ना, ये आपको और ऐसा कैसे आपको देखो उसके लिए भी याद रखना, जैसे मान लो आपने लिखा डी एक्स बटा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका साइन की फॉर्म में आता है। जो आपके ये दोनों बचते हैं ये किसकी फॉर्म में आते हैं, ये आपके दोनों लॉग की फॉर्म में आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने आपको देखो इनका याद रखना तरीका बता रखा है, एक बार आप इस ए को एक की तरह व्यवहार मिलेंगे तो क्या बनेगा, मान आपका ऐसा बनेगा रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स को पुट करते हैं आपका फॉर्मूला बन रहा है ना साइन थीटा कि यानी रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है ना, ऐसे फॉर्म बननी चाहिए, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी इन दोनों के लिए क्या देगा आप लॉग की फॉर्म वो आ जाएगी। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए ना। अब देखो इसके अलावा आपको देखो एक बात और याद रखनी है कि जो एक आपका खंडस समाकलन होता है ना वो भी आपको ध्यान में रखना है। खंडस समाकलन की हम बात कर रहे हैं, तो देखो खंडस समाकलन में क्या करना आपको, जैसे मान लो मेरे पास u इंटू वी डी एक्स आ रहा है, इसमें आपको इसको फर्स्ट मानना है इसको सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड आपको कैसे मानने हैं, आई लेट के नियम के द्वारा मानने, आई लेट के नियम के द्वारा। आई कौन होता है इनवर्स यानी प्रतिलोम, और प्रतिलोम कौन से होते हैं आपके, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे इनवर्स वाले होते हैं। और एल का मतलब क्या होता है लॉगरिथम, और लॉगरिथम का मतलब क्या होता है लघुगणक होता है, लघुगणक जिसमें आपके लॉग के संबंधित कोई मान हुआ होगा इसमें आ जाएगा। ए का मतलब होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा अलजेब्रा का मतलब होता है बीजीय, बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं, ये सारे देखो बीजीय व्यंजक आते हैं आपके, जैसे मान लो दो है पाँच है टू एक्स है या एक्स क्यूब है, ये सारे किस्में आते हैं आपके बीजीय व्यंजक में आते हैं। फिर टी का होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन वो याद रखने हैं जो होते हैं आपके साइन एक्स
कोसेक्स, टेनेक्स, ये सारे आपके क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो इसके बारे में भी आप इनको याद रख लेंगे। इसी तरह आपको देखो ये आता है मेरे पास, जो आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी जो चर पर चर की अचर पर चर की घात होती है ना, यानी चर घाता की आपको बोल सकते हैं चर घातांक की। और इसमें आपके कौन से आते हैं? जैसे ईची घातक स है, ईची घातक स है, ये सारे यानी जिन पर चर की घात है वो सारे आपकी इसमें आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आगे, यानी ईची घातक और ईची घात अक्ष में। तो ये तो आपको कुछ इसके रूल है वो याद रखने। अब देखो खंड समाकलन का रूल क्या होता है, इसमें पहले आपको क्या करना है, यानी फर्स्ट यानी आपका यू तो आ गया कॉन्स्टेंट, और सेकंड का आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा माइनस। उसके बाद में इस फर्स्ट का करना पड़ेगा आपको अवकलन और सेकंड का समाकलन। इसके बाद में क्या आएगा, इस पूरे का होल समाकलन वो आएगा। तो ये आपको यू डॉट वी का जो रूल है यानी खंड समाकलन वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये तो देखो मैंने आपको जो नौकीय प्रणाली है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इनको एक बार आप फिर से क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं आई। अब अगर आपने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं तो देखो आगे हमारे पास इस टॉपिक में से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। देखो ध्यान रखना ये टॉपिक जो आपका है नौवां और दसवां दोनों मिला करके, ये दोनों टॉपिक आपके मिला करके कुल 12 अंक के हैं। 12 अंक के टॉपिक हैं दोनों, नौवां और दसवां दोनों टॉपिक आपके मिला के कितने अंक के हैं? 12 अंक के टॉपिक हैं। तो अब देखो जो 10 का टॉपिक है ना, 10 का टॉपिक, इसमें तो 100% आपका 6 अंक का प्रश्न आया, लंबा प्रश्न, ये बात क्लियर आपकी। जबकि जो नौवां टॉपिक है इसमें से भी देखो आपके 6 अंक के प्रश्न आएंगे। अब 6 अंक के प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, एक एक नंबर का आ जाएगा, एक दो नंबर का आ जाएगा, एक तीन नंबर का आएगा, इस तरह से आपके 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, एक नंबर का, दो नंबर का और तीन नंबर का, ठीक है। अब आपको मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको विशेष उस तरह के प्रश्न पढ़ने हैं जिसमें से उस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन पर आपको ज़्यादा अपना टारगेट वो लेके चलना है। जैसे 10 का टॉपिक, 10 के में आपको विशेष रूप से जो 6 नंबर के लाइक प्रश्न है उन पर आपको विशेष अपना टारगेट वो लेके चलना है। अब देखो नौवां टॉपिक है, तो देखो नौवां टॉपिक मेरे साथ कोई है, इसमें छोटा प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न है, देखो इसमें तीनों प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, छोटा एक नंबर का भी आ रहा है, दो नंबर के भी आ रहे हैं और तीन नंबर के भी आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक नंबर का प्रश्न है वो कैसा आपका पूछा जाता है। तो देखो एक नंबर का जो प्रश्न है वो या तो आपका 9.1 प्रश्नावली में से पूछा जाएगा या आपका 9.2 में से पूछा जाएगा, इन्हीं में से आपका जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। और ठीक है, अब देखो हम एक बार बारी बारी से जो सारे टॉपिक है उनके संबंध में देखो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके अलावा देखो आपको एक फॉर्मूला साथ में देखो ये भी याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा, जैसे मान लो मेरे पास कई बार ये कंडीशन आती है, जैसे ईजी घातक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह का अगर फलन आया ना तो इसको क्या लिखना आपको, ईजी घातक एफ एक्स प्लस सी, ये आपको लिखना होता है। यानी ईजी घातक के साथ जब भी एक फलन तो आपका आ जाए सीधा रेख उसके साथ कोई उसका अवकलनीय फलन आ जाए तो उस कंडीशन में उसका समाकलन क्या हो जाएगा, ईजी घातक इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो मैंने देखो आपको इसके बारे में एक बार तो बेसिक बातें हैं वो एक बार दोबारा से बताई है, बाकी मैंने बोल दिया कि आपके फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे तभी ये टॉपिक आप अच्छी तरह इसको कवर कर पाएंगे। अब देखो इस टॉपिक में से, अब एक बात सुनो मेरी, मैं इस नौ के टॉपिक में से आपको केवल कुछ प्रश्नों की स्टडी करवा रहा हूं जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है उनकी। अब बाकी देखो इस टॉपिक में आपको अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत है या डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में या जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये भेजे जा रहे हैं उसमें आप लिख के भेज सकते हो, जिससे वो कमेंट या आपका जो कथन है वो मैं पढ़ लूँगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका वो आपके जो समस्यात्मक सवाल है उन्हीं का बनेगा, यानी हम एक टॉपिक को दो दिन दे के चलेंगे, एक दिन में आपको मैं अपनी नज़र में जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊँगा और एक दिन में क्या बताऊँगा, जिन जिन प्रश्नों में आपको समस्या आई है दिक्कत आई है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं नौ के टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरी नज़र में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और इस टॉपिक में अगर कुछ ऐसे प्रश्न बच जाएं जो आपको पूछने हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपको जिस तरह से प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें, और मैं वो कमेंट पढ़ लूँगा और उसके समाधान आपका नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना हम हर टॉपिक को दो दिन देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। दोबारा सुन लो, देखो आपके टॉपिक कितने हैं, कुल 16 टॉपिक है भैया, आपके मैथ में टॉपिक सारे कितने हैं, 16 टॉपिक है। और मैं आपको ये बात अच्छी तरह बता चुका हूँ कि इन 16 टॉपिक में से हम क्या करेंगे, 8 टॉपिक का रिवीजन एक बार मैं करवाऊँगा और 8 टॉपिक का रिवीजन जो हमारे साथी हैं गुरुजी दूसरे वो करवाएंगे, क्योंकि अब एक व्यक्ति के द्वारा 16 टॉपिक का रिवीजन इतने कम टाइम में यानी 15 दिन में करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हमने ऐसा किया है कि 1 से 8 तक का रिवीजन आपको वो करवा देंगे। अब मेरी बात सुनो, 1 से 8 तक का रिवीजन करवाने का मतलब हमारे साथी गुरुजी आपको रिवीजन करवा रहे हैं, और फिर भी अगर आपको
उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन अगर मेरे से पूछना है उनके रिवीजन करवाने के बाद में, तो भी आप मेरे को लिख के बता सकते हो, मैं आपको उसको अपने वीडियो में भी रिवीजन करके वो बता दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, अब एक बार हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुल दिन कितने हैं, केवल 15 दिन है। अब हमें इस 15 दिन का सदुपयोग कैसे करना है वो देखिए आप। अब देखो जिन जिन टॉपिकों का हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, अपनी ईमानदारी से 100% आपको ईमानदारी बरते हुए अपने घर से क्या करना, आपको रिवीजन करना है, घर से आपको रिवीजन करना है, तभी आपका ये मान लो अच्छे नंबर आप बना पाएंगे, ठीक है ना। अब टॉपिक कौन से का रिवीजन करना है, सारे टॉपिक लेके नहीं बैठने, जैसे आज मैं आपको 9 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज 9 पढ़ा रहा हूँ, तो आपको 9 को पढ़ना है घर से, ठीक है। और जैसे हमारे साथी गुरुदेव वो आपको कौन सा पढ़ा रहे हैं, एक का पढ़ा रहे हैं, तो आपको साथ में एक का रिवीजन करना है। इन दोनों टॉपिक आप घर से रिवीजन कर लेंगे। और मैं बता दूं आपको कि आप इसमें ये मत सोचो कि इतना हम एक टाइम में कैसे कर रहे हैं, देखो आपको वैसे बहुत टाइम लगेगा मैथ के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको 15 दिन के लिए अगर कुछ भी करना पड़ रहा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका भविष्य है वो मतलब बहुत सुनहरा बन जाएगा। अगर आप 15 दिन भी अच्छी मेहनत कर लोगे तो ये आपके हित की बात है, और 15 दिन में ये मान लो कि ज़्यादा पढ़ने से कोई मरता नहीं है कभी, ठीक है ना। तो वो बात तो आप दिमाग से निकाल दो कि हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। जिस बच्चे को नंबर बनाना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, वो 15 दिन में कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी वो पढ़ सकता है। तो आजकल वैसे आपको स्कूल तो आना ही नहीं है, घर पे तो रहना ना भाई, घर पे जैसे मान लो 24 घंटे आपके पास, और अगर आप 24 घंटे में से अगर मान लो आप जैसे 15 घंटे भी पढ़े, भाई 15 आप स्टडी कर सकते हो, और मुझे लगता नहीं कि अगर आप 15 घंटे स्टडी करेंगे तो उसमें आप 2 टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। फिर भी देखो आपको प्रत्येक मतलब 2 दिन मिल रहे हैं आपको, हर टॉपिक के लिए क्या मिल रहे हैं, 2 दिन मिल रहे हैं हर एक्सरसाइज के लिए, एक एक्सरसाइज आपको 2 दिन में कंप्लीट करनी है। अब तरीका क्या रहेगा, एक दिन वो आप खुद रिवीजन करेंगे, और मैं मेरी नज़र में जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैं करवाऊँगा आपको, फिर दूसरे दिन क्या करना आपको, उस टॉपिक से संबंधित जो समस्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, और आपकी जो समस्यात्मक पर्सन है उनका हल मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ऐसा हमारा सिस्टम वो चलने वाला है, क्योंकि मैंने 8 टॉपिक लिए ना, तो 8 टॉपिकों में 2 दिन के हिसाब से अगर गुणा करूँगा तो मेरे पास दिन कितने हो गए, 16 दिन हो गए। और आपको पता है कि 16 दिन है आपके पास, भाई सारे तो मैं अगर 16 को 16 अगर मैं लेके चलूँगा तो देखो मेरे को दिन लगेंगे 32 दिन, और 32 दिन आपके पास है नहीं। तो मैंने इस तरह से मैनेज किया है कि मैं 8 टॉपिकों में आपको मतलब 2 दिन के हिसाब से जो 16 दिन में आपको रिवीजन है यानी आपकी जो समस्या है उन सबका समाधान कर सकूँ, ठीक है ना। तो आज आपको पहले लेके चलना है कौन सा टॉपिक नंबर है, 9। तो 9 के देखो पहले मैं आपको जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट पर्सन है वो करवा रहा हूँ, फिर आपकी जो समस्या है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, और उनकी समस्या का समाधान आपका नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। तो देखो 9 के टॉपिक के कुछ सवाल देखिए इसी श्रृंखला में। सबसे पहले मैं आपको 9.1 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखो उनके बारे में बात करवा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने प्रश्न लिया कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स और dx ही आ रहा है, ठीक है। अब इस प्रश्न को क्या करना आपको, हल करके जो इसका समाकलन है वो प्राप्त करना है। देखो समाकलन के लिए क्या होता है कि जो हर का मान वो आपका सिंपल फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो इसमें आपको इस एक को उठाना पड़ेगा, अब एक का बैठेगा या तो आप इसमें कोस मतलब कोस का वह सूत्र लगाए जिससे आपका कि एक कट जाए वो, लेकिन अगर वो लगाए तो इसमें आपका कोण यहाँ पर आधा हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला कोण क्या आपका बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है वो आधा हो नहीं पाएगा। तो इसमें आप ऐसा करो, एक बार आप इसमें ऐसा करो हर का जो प्रमेय ना वो कर लो यहाँ पर, यानी 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स dx। अब देखो ऐसा करने से आपके पास मान के आएगा ऊपर तो आ रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स ही आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब आप जानते हैं क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे और इसका आप आराम से कर लेंगे। एक का क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस कोस का क्या होता है साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप इसका जो समाकलन वो कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो एक दूसरी बात हो रही है, कई बार आपके पास रूट में क्या लिखा था, ऐसा लिखा था रूट में या तो 1 प्लस साइन 2x लिखा जाएगा, या मान लो रूट में 1 प्लस कोस 2x लिखा जाएगा, तो उसका देखो कैसे आपको समाकलन है वो करना है। तो देखिए कोस 2x के साथ जब भी 1 आए तो आपको क्या करना है, 1 को काटने वाला रूल लगाना है। जैसे आप यहाँ पर 1 आ गए तो इसको क्या करेंगे आप, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx रूल लगाएंगे, जिससे कट रहे दोनों, ये रूट दो बार आ गया और ये कोस एक्स dx, इसका आप आराम से कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही आपका 1 अगर मान लो साइन 2x के साथ आ जाए तो क्या करना आपको, इस कंडीशन में आपको ऐसा करना है कि जैसे आपको साइन के साथ में 1 आता है, देखो साइन में 1 को काटने का तो रूल होता नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस 1 की जगह आप लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आप साइन 2x का सूत्र लगा देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अब ऐसा करने से क्या बनेगा, ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो बन जाएगा रूट के अंदर और इंटू में आ रहा है dx। अब इसमें क्या होगा, जब ये रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या करेंगे, रूट से कम्प्लीटली बाहर निकालेंगे,
तो ये मान आपका जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। और इसका आप आराम से जानते हैं अलग क्या होता है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस में कोस एक्स और कोस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। इस तरह से जो इसका आप समाकलन वो आराम से कर सकते हो। अब देखो दूसरी बात हम आगे करते हैं किसकी, अब इसमें अब आगे बात करें किसकी, जैसे डी एक्स आ रहा है मेरे पास वन प्लस साइन एक्स। अब देखो चाहे वन प्लस साइन एक्स आ जाए या मान लो यहाँ पर वन प्लस कोस एक्स आ जाए, दोनों ही कंडीशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें जो हर का प्रमेयीकरण करने वाला रूल है वो आप इनमें लगा सकते हो, उससे आपका सवाल वो आराम से हल हो जाएगा। क्योंकि हर का प्रमेयीकरण करते हैं आपकी संख्या सिंगल डिजिट में आ जाएगी, और सिंगल डिजिट में आते हैं आप दोनों में उसका अलग अलग भाग लगा देंगे। कैसे, जैसे आपने इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा कराया, नीचे भी आपने इसको क्या कर दिया है 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दिया है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर तो आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स और बटे मारा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ऊपर आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अभी कोस स्क्वायर का आप दोनों में क्या करेंगे अलग अलग भाग लगाएंगे, तो एक बार तो आएगा एक बटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में एक बार आएगा साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये तो बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या बनेगा आपका देखो ये बनेगा टेन एक्स और सेक एक्स डी एक्स। इसका होता है टेन एक्स माइनस इसका होता है सेक एक्स और प्लस में सी। तो ये आपने इसका क्या प्राप्त कर लिया है, जो सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए कुछ और सवाल है, जैसे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट, अब देखो कोस है तो भी आपको इसमें ये रूल लगाना है और बाकी और कुछ है तो भी इसमें आपको ये रूल है वो लगाना है। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास ये आ रहा है समाकलन में क्या, डी एक्स बटा रूट में वन प्लस एक्स और माइनस में रूट एक्स। अब ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, ऊपर इसमें अंश में एक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें सीधा जो हर का प्रमेयीकरण आप यहाँ पर वो रूल लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो रूट वन प्लस एक्स और प्लस रूट एक्स, बटे में क्या रहा रूट में वन प्लस एक्स और माइनस में रूट एक्स, इसको आप किससे गुणा कराएंगे, रूट में वन प्लस एक्स और प्लस रूट एक्स आप इसको गुणा कराएंगे। अब देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मान तो आपका है वो रह जाएगा सेम, यानी रूट में वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और बटे वाले मान में क्या आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी का रूल बन रहा है, तो जो आएगा ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर, ये दोनों कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस एक का कोई महत्व नहीं है बटे में, तो आप क्या करेंगे अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे, एक तो आप रूट वन प्लस एक्स का समाकलन अलग करेंगे और प्लस में जो रूट एक्स है उसका आप समाकलन अलग से कर देंगे। अब इसका समाकलन करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार इसको एक्स की तरह व्यवहार में लेना है, क्योंकि जब आप वन प्लस एक्स को पुट करें तो आपका मान क्या बिल्कुल एक ही आएगा, तो कहते हैं इसमें तो अगर आपका ये एक्स की तरह व्यवहार में आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर रूट एक्स की कंडीशन बन रही है, यानी एक्स की पावर एन की कंडीशन आपके पास बन रही है, जिसका क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन, जबकि आपका एक्स यहाँ पर वास्तव में क्या है एक्स आपका है वन प्लस एक्स ये देगा, और प्लस में इसका क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन प्लस में सी। इसको आगे सल करना है तो क्या देगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में आप देखिए कुछ और प्रश्न है, जैसे मान लो मेरे पास प्रश्न आ रहा है यहाँ पर ये लॉग एक्स वाला आ रहा है, जैसे लॉग एक्स है लॉग एक्स और एक्स डी एक्स। देखो जब ये बेस समान और इसका फलन समान और इसका मान हमेशा क्या होता है एक होता है, तो सीधा आप इसमें क्या कर देंगे एक का समान क्या देगा आपका एक्स प्लस सी, सीधा कर देंगे आप, ठीक है ना इसको। उसके बाद देखिए जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है कोस टू एक्स बटे में आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू में आ रहा है डी एक्स। अब देखो इसमें आपके पास क्या है, पहले मैं कोस टू एक्स का क्या लिखना पड़ेगा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और कौन सा फॉर्मूला लिखना है, तो जो फॉर्मूला की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देखो वैसे तो आप इसमें देखो कोई भी फॉर्मूला अपना लगा सकते हो, कोई यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब आपके पास एक का सिस्टम नहीं हो तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, और बटे मारा है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये आ रहा है। अब इसका देखो जो दोनों में अलग अलग बात है, तो इसमें आपका ये कोस स्क्वायर कट जाएगा और ये क्या देगा एक बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस में जब इसमें बात क्या होगा साइन स्क्वायर कट जाएगा और ये आ रहा है एक बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये तो बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब इन दोनों का जानते हैं आप अलग अलग होता है, इसका तो क्या हो जाएगा आपका क्योंकि कोट का अवकलन ये होता है तो इसका हो जाएगा माइनस में कोट एक्स, और ये होता है आपका टेन एक्स का अवकलन तो इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स और प्लस में सी। इस तरह से आप इसका समाकलन वो कर सकते हो। और इसी श्रृंखला में देखो आप एक प्रश्न और देख लो 9.1 के लिए, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है तीन कोस एक्स प्लस चार और बटे मारा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी साइन स्क्वायर का आप दोनों में अलग अलग भाग लगाएंगे, तो एक बार आएगा आपका तीन कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब नीचे सिंगल पद होता है आप दोनों में इसका अलग अलग भाग लगा सकते हो, प्लस एक बार आपको क्या करना है चार में साइन स्क्वायर एक्स का जो भाग है वो आपको लगा देना है। तो देखो यहाँ पर तीन तो मेरे पास आ रहा है बाहर सेम, जब आप इसमें अलग अलग भाग देंगे तो आपका मान क्या बनेगा
कोटेक्स और यहाँ पर बनेगा आपका कोस एक्स डीएक्स, क्योंकि जब आप साइन स्क्वायर का दो साइन कोस अपॉन साइन तो बनेगा कोट और एक साइन आपका क्या हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आ रहा है मेरे पास चार और कोस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इनका आप जानते हैं अलग अलग होता है, तो इसका हो जाएगा आपका कोस एक्स माइनस में जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस में कोट एक्स और प्लस में सी। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर लिया है। तो देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको 9.1 से संबंधित जो मेरी नज़र में महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको करवाए हैं। अब आप 9.2 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आगे देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे मान लो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, अगर मान लो ये आज पूरा नहीं हो पाता है तो हम क्या करेंगे, कल इसका शेष भाग है वो कल कर लेंगे। इस टॉपिक को हम थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देंगे, बाकी दो टॉपिक उनको हम टाइम थोड़ा कम दे देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कि ये कितना किस तरह से होता है। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9.2 से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, एक तो मैंने सबसे पहले प्रश्न लिया कौन सा, कोस लॉग एक्स बटा एक्स डी एक्स, ये लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ऐसी संख्या देखने की जिसको पुट करते आपका सवाल वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो देखो आपको पता है कि ये बटे में एक्स आ रहा है ना, तो आपको पता है लॉग का अवकलन क्या होता है, एक बटा एक्स होता है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे क्या, लॉग एक्स बराबर टी, जिससे आपके पास क्या आएगा, ए बटा एक्स डी एक्स बराबर आएगा कितना, डी टी। तो आपका यहाँ पर मान क्या बन जाएगा, कोस टी हो गया तो ई डी टी हो गया, और मतलब कंप्लीट आ गया मान आपका। इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका, साइन टी प्लस में सी, और साइन टी का मान वापस क्या रखना आपको, ये रखना आपको लॉग एक्स और प्लस में सी। तो इस तरह से आप जो इसका समाकलन है वो प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह देखिए, इसमें हम कुछ और प्रश्नों की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो, यानी ये दो प्रश्न मैंने लिए हैं वो मैंने अपनी दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लिए हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सब टीचरों का अलग अलग अपना मत होता है, और आप को साथ में बाकी प्रश्न बचे हैं वो भी आपको सारे निकालने हैं, और मैंने अपनी दृष्टि से सुने हैं कि भाई ये शायद प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है लॉग एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे मारा है रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो सवाल में सीधी सी बात है कि नीचे वाला मान आप काटना चाहिए, तभी जाके आप इसका क्या कर पाएंगे, जो समाकलन है वो कर पाएंगे। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जब आप इस पूरे लॉग को पुट कर लेंगे एक बार कंप्लीटली को, तो आपको यहाँ पर ये नीचे वाला मान जो प्राप्त हो सकता है। एक बार देखो आप इसको पुट करके, तो आपने इसमें पुट कर दिया क्या, लॉग एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपने टी पुट कर दिया। अब इसका अवकलन क्या देगा आपका, एक तो आएगा एक बटा एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लॉग एक्स का हो गया है। अब ब्रैकेट के अंदर वाले मान का दोबारा करना है, तो एक्स का तो हो गया एक, और आप जानते हैं कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटा दो रूट एक्स होता है, तो इसका ये हो गया, साथ में इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ लिखना है डी एक्स बराबर डी टी, ये लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखो इसमें क्या होगा, ये टू से कट रहा है सीधा, मेरे पास यहाँ तो आ रहा है एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। अब यहाँ ब्रैकेट देखो, इसमें आपने जब लघुत्तम लिया रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपका मानेगा रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स इंटू में डी एक्स बराबर डी टी। अब ऐसा करने से देखो, जो आपका ये ब्रैकेट है ये वन प्लस से कट जाएगा, और आपके पास मान क्या आएगा, डी एक्स बटा रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, डी टी। यानी ये जो आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली मान है ये किसके बराबर आ गया, डी टी के बराबर। अब आपका मान यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस पूरे को आपने टी माना है ना, तो ये आपका टी इंटू डी टी हो गया, और टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बटा दो प्लस सी। अब टी का मान वापस से क्या रखना आपको, जो माना हुआ रखना आपको, यानी लॉग एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की होल पावर एक बटा दो आ रही है ना कंप्लीट की, सॉरी पूरे पावर क्या रही, एक दो आ रही आपकी, बटे में दो प्लस सी। तो इस तरह से जो आप इसका समाकलन है वो कर सकते हो। इसी तरह आप देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन है उनको भी आप देखिए। जैसे मान लो हम आगे बात करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास प्रश्न आ रहा है कौन सा, मान लो हम बात करते हैं किसकी, जैसे अभी मैंने आपको ये समझा था पीछे वाली प्रश्नावली में कि जैसे मान लो आपके पास डी एक्स बटा वन प्लस साइन एक्स आई या डी एक्स बटा वन प्लस कोस एक्स आई, तो इन दोनों में आपको क्या करना होता है, हर का प्रमेयगण क्रिया जो मान है उसको आपको ऊपर भेजना है, उसके बाद में आप इन दोनों का समाकलन है वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पास डी एक्स बटा वन प्लस टेन एक्स आ जाए या मान लो कोट एक्स आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर हर का प्रमेयगण करने से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको साइन कोस से बदलना पड़ेगा। तो इसको आप लिखोगे साइन एक्स बटा कोस एक्स, बटा में एक मान लेंगे आप इसके। अब देखो डी एक्स द्वारा मेरे पास सेम,
यहाँ पर आपने लघुत्तम लिया कोस एक्स, तो ऊपर मान आपका आ जाएगा यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये कोस आपका वहाँ ऊपर चला जाएगा तो मान क्या जाएगा कोस एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू मारा है डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो जैसा नीचे वाला मान है वैसा वैसा आपको ऊपर वाला मान है वो भी आपको यहाँ पर बनाना है। तो देखिए इसमें आपने क्या कर दिया, ऊपर आपके पास आ रहा है कोस एक्स प्लस साइन एक्स कर दो आप साथ में, यहाँ पर बीच में यहाँ पर माइनस लगा दिया आपने और आपने कर दिया कोस एक्स माइनस से साइन एक्स, और बटे वाला मान क्या रखना आपको सेम रखना है कोस एक्स प्लस से साइन एक्स। अब देखिए ऐसा करने से आपके पास अभी क्या आ रहा है, पहले देख लो एक बार आप कि जैसे आपका ये मान कोस इसमें मतलब कटना चाहिए मान दो साइन इसमें कट रहा नहीं आपका साइन ही कट रहा है ना, तो आप ऐसा करेंगे इसको तो मानेंगे आप माइनस का, इसको मानेंगे आप प्लस का। अब देखो साइन तो कट रहा है वापस आपका और कोस ये माइनस भी वापस क्या प्लस हो रहा है और जुड़ के आपके दो कोस एक्स हो गए, लेकिन साथ में आपको बटे में क्या करना पड़ेगा एक बटा दो करना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों में जो आप है वो अलग अलग भाग लगा सकते हैं, तो देखो जब आप इसमें इसका भाग अलग से लगाओगे तो आपका भाग इसमें एक बार चला जाएगा यानी एक बटा दो, इसमें तो भाग चला गया आपका एक बार माइनस, और साथ में मेरे पास क्या रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और बटे में आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में इस पूरे का आपको क्या करना है समाकलन वो करना है। तो आप जानते हैं इस एक का तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और इसके लिए आप जानते हैं कि जब आप इसको पुट करोगे तो ये आपको ऊपर प्राप्त हो रहा है ना इसका अवकलन, यानी मेरे साइन का तो हो गया कोस एक्स और कोस का हो गया माइनस एक्स, अब माइनस बार को मिल लेंगे आप तो आपका मान क्या देगा इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका समाकलन है वो कर सकते हैं, कब जब आपके पास एक बटा वन प्लस टेन एक्स है या एक बटा वन प्लस कोट एक्स है, दोनों ही कंडीशन में आपको ये रूल काम में लेना है। अब देखो नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो देखो अगले प्रश्न में आपके पास आ रहा है कि जिससे मान लो हमारे पास है ये क्वेश्चन है यानी साइन की पावर पी एक्स और कोस की पावर पी प्लस टू एक्स, ये प्रश्न देखो। तो देखो इस प्रश्न में क्या करना आपको पता है कि साइन का जो अवकलन वो कोस होता है ये तो मानते हैं चलो ठीक है, लेकिन साथ में ये पी प्लस टू वाली रियल कंडीशन ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, इसमें क्या करना आपको इस साइन की पावर पी एक्स है इसको अलग लिख दो आप, इसके आप दो टुकड़े कर लो यानी कोस की पावर पी एक्स को अलग लिखो और कोस स्क्वायर एक्स है इसको आप अलग से लिख दो, यहाँ पर लिख दिया ना। अब ऐसा करने से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मान तो बन जाएगा आपका टेन बन जाएगा यानी ये तो गया टेन की पावर पी एक्स हो गया, और ये आपका मान बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। और अब आप जानते हैं कि टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे क्या, क्योंकि ये टेन एक्स की होल पावर पी है ना आपकी, इसका मतलब कि टेन एक्स की होल पावर क्या है पी है, ध्यान रखना ठीक है ना। तो आप इसमें पुट करेंगे क्या टेन एक्स बराबर टी, जब आपने टेन एक्स को टी पुट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी आ गया। अब आपको क्या करना है, ये तो बन रहा है आपका मान डी टी पूरा कंप्लीट टी, और ये मान क्या हो जाएगा आपका यानी टी की पावर पी और ये डी टी। अब टी की पावर पी का आप जानते हो यानी टी की पावर पी प्लस वन बटे में पी प्लस वन और प्लस में सी। अब टी की जगह वापस से क्या रखना पड़ेगा आपको टेन एक्स रखना पड़ेगा यानी टेन एक्स की पावर आपने क्या लिख दी पी प्लस वन और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास पी प्लस वन और प्लस में आ रहा है सी। ये आप इसका इस तरह से समाकलन है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने इनको आपको यहाँ तक करवा दिया है, इनको तो मिटा रहा हूँ वापस में, और अब जो बचे हैं उनको और देखो आप। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जिसे मान लो मेरे पास आ रहा है कोस थ्री एक्स और कोस फोर एक्स आ रहा है कोस थ्री एक्स और कोस चार एक्स डी एक्स। देखो जब साइन और कोस के देखो दोनों फलन आपके स्तर से गुणा माध्य, तो आपको यहाँ पर हमेशा क्या रखना है याद, जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है वो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखो आपने ये पढ़ रखा है यानी टू कोस एक्स कोस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो किसका फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, वो आपका होता है कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस प्लस कोस एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका मान क्या होता है बिल्कुल ये होता है, तो आप इसको इस फॉर्मूले के द्वारा इसमें कन्वर्ट कर लोगे ताकि दोनों मान क्या दे आपके प्लस में आ जाए। तो देखो ये आपको वैसे सारे देखो याद रखना है इसमें, जिसे एक तो आपका होता है टू साइन एक्स कोस वाई, इसका तो आपने पढ़ रखा है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, एक आपने पढ़ रखा है टू कोस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला जो होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और जब आपके पास ऐसी कंडीशन है टू कोस एक्स कोस वाई तो आप लिखते हो कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, जब आपके पास आता है माइनस में टू साइन एक्स साइन वाई तो उसको आप लिखते हो कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखते हो।
अगर आप इसमें यहाँ पर प्लस मानते हो तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस का, ठीक है ना। तो इन चारों फॉर्मूले के हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर ये मान जो अपना है वो इसके समान नजर आ रहा है। तो इसको देखो अभी आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें टू नहीं है ना, तो आप ए बटा दो का बाद इसको दो से गुणा करेंगे तो माना आएगा आपका कोस तीन एक्स कोस चार एक्स और ये डी एक्स। अब उसके बाद देखिए इस फॉर्मूले को आप क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करने से आपको ये इधर वाला मान प्राप्त होने वाला है। तो इससे आपका मान बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई यानी तीन एक्स प्लस चार एक्स हो गया, फिर प्लस में कोस एक्स माइनस वाई यानी तीन एक्स माइनस क्या आ गया चार एक्स ये आ गया। अब ऐसा करने से जो आपका मान है वो आपको मान कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका मान आ जाएगा एक बटा दो, और यहाँ तो आ रहा है मेरे पास कोस सात एक्स और प्लस यहाँ पर आ रहा है कोस माइनस एक्स और ये डी एक्स। और आप जानते हैं कि कोस में कभी आपका माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स। अब इसका आप अलग से कर दोगे, इसका आप अलग से, इसका हो जाएगा साइन सात एक्स बटे सात हो जाएगा और उसका जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, जब आपके पास ऐसे कितने साइन कोई भी सवाल में तो उसको आपको इस तरह से ये जो चार फॉर्मूले हैं इनसे कंपेरिजन करके आपको जो अपना उत्तर है वो इसमें प्राप्त करना होता है। अब इसी श्रृंखला में देखिए आप कुछ और क्वेश्चन आगे हैं, जैसे हम बात करें किसकी, जैसे मान लो साइन और कोस की घात अगर मान लो विषम या समसंख्या में आ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। जैसे मान लो एक तो मेरे पास आ रहा है ये अननोन, मान लो साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, या मान लो मेरे पास साइन क्यूब एक्स आ रहा है। मैं केवल साइन का समझा रहा हूँ, कोस का वैसे हो जाएगा आप इसको दोनों को एक साथ ही समझ लेना, ठीक है ना। ये सम और देखो विषम दोनों का मैं आपको समझा रहा हूँ, सम में क्या करना है और विषम में क्या करना है। यहाँ पर आपकी घात साइन की घात चार भी लिखी जा सकती है, यहाँ पर आप साइन की घात कितनी मान लो पाँच सात कितनी भी आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन सबका इसका सबका अलग तरीका है और इन सबका क्या है अलग से तरीका है। तो देखो सबसे पहले आप विषम घात वालों का तरीका जान लो क्या होता है। जब भी आपके पास ऐसे विषम घात आ जाए, मतलब इवन ओड की फॉर्म में आ जाए, तो इसमें क्या करना आपको सम घात अलग तोड़नी है, एक घात आपको तोड़नी है बिल्कुल अलग से। जैसे साइन की घात है तो इसमें एक तो अलग तोड़नी है और बाकी सबको आपको अलग लिखना है। ऐसे मान लो जैसे पाँच है तो क्या करना है, इसमें साइन की घात चार एक्स को अलग से तोड़ना है और साइन एक्स को अलग से तोड़ना है, ठीक है। ऐसा कर लिया। अब ऐसा करने के बाद में क्या करना है आपको, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, क्योंकि साइन तो क्या होता है कोस का अवकलन, इसको आप बना लेंगे कोस, ये बन जाएगा आपका वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में आ रहा है साइन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि कोस को पुट करते क्या जाएगा, इसका जो अवकलन है वो आ जाएगा, तो इस तरह आपका जो सवाल है वो हल हो जाएगा, ठीक है ना, कर लेंगे आप इसको। और जैसे घात चार रहेगी यहाँ पर, तो घात चार का मतलब क्या जाएगा, जैसे मान लो आपका साइन की घात चार थी यहाँ पर यहाँ की बजाय, तो इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, तो देखो इसमें भी आपका रूल भी बनेगा सीधा सा, यानी इसको पहले आप लिखेंगे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि घात चार का मतलब आप ऐसे तो मान सकते हो ना साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और बाहर आ रहा साइन एक्स इंटू एक्स। अब इसको आप क्या मान लेंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब आगे वही तरीका, इस कोस को पुट करेंगे, बाहर क्या आ रहा है इसका अवकलन आ रहा है, और इसका आराम से आप जो समाकलन है वो कर सकते हो। इसके बाद देखो ये तो आपका तरीका हो गया जब विषम घात आए तो उसको करने का तरीका। अब अगर मान लो सम संख्या में घात आ जाए आपके पास, सम संख्या में घात आने का मतलब जैसे आपके पास घात दो आ जाए, चार आ जाए, छः आ जाए, आठ आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो देखो उनको कैसे करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास है साइन की घात दो एक्स डी एक्स, अब यहाँ तो आप इनको तोड़ के वैसे कर नहीं सकते, तो इस कंडीशन में क्या करना आपको, कोस टू एक्स का वह फॉर्मूला काम लेना है जिसमें साइन काम आए अकेला। आप जानते हैं कोस टू एक्स के देखो ये चार फॉर्मूले होते हैं, एक तो आपका होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक आपका कौन सा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चार फॉर्मूले होते हैं। आपको यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला काम लेना, इसमें केवल साइन स्क्वायर आए वो आपको काम लेना, तो इसमें केवल इसी में आ रहा साइन स्क्वायर एक्स। इसे जब आप साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालते हो तो क्या देगा आपके पास मान है, यानी इसको आप इधर ले आएंगे तो आपके पास अगर टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ गया वन माइनस कोस टू एक्स, ये दो इसके भाग में जाएगा अभी, और जो साइन स्क्वायर एक्स है उसका मान आ गया मेरे पास वन माइनस कोस टू एक्स और बटे में आ रहा है दो। अब उसके बाद में क्या करना है, ये मान आपको कहाँ रखना है, इसके स्थान पर यहाँ पर लाके रख देना, यानी आपके पास आ गया मान वन माइनस कोस टू एक्स बटे में दो इंटू में डी एक्स। अब इस दो का दोनों में आप अलग अलग भाग लगा देंगे और उसके बाद जो समाकलन की प्रक्रिया है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको अभी किसके बारे में बताया है, जब सम संख्या में घात है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब देखो ये मान लो अगर आपकी घात चार आ जाए, तो चार है तो कोई दिक्कत नहीं, चार मान लो आप यहाँ पर, और इस चार को आप कैसे लिख दोगे, इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। अब इस साइन स्क्वायर एक्स का आप क्या लिख दोगे, ये मान लोगे वापस फिर से, और प्रार आपका होल स्क्वायर। अब इससे इसका क्या करना है, इसका फिर से प्रसार करना है, और प्रसार करके जो अपना समाकलन है वो आपको प्राप्त करना है।
और ये की ये प्रक्रिया आपको किसमें लगानी है, जब कोस स्क्वायर एक्स या कोस की घात चार है तो भी आपको ये लगानी है, लेकिन उस टाइम आपका फॉर्मूला इसमें कौन सा काम आ जाएगा, उस टाइम आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा काम कौन सा, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, इससे आप कोस स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ पर मान वापस रखोगे और अपना सोल्व करके मान वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने भी आपको किसके बारे में बताया है, इस सवाल के बारे में जो आपको है वो बताया है। अब एक बार आप सवाल देखिए, कुछ दो सवाल देखो मैंने इसमें और चुने हैं, उनको आप और देख लो कि वो दो सवाल आपके कौन कौन से हैं। तो देखो अगर हम उन दो सवालों की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको एक तो सवाल मैंने चुना है कौन सा, ये यानी ये हालांकि देखो इसके रूट में आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसके रूट में है ये, और मेरे पास आ रहा है sec x बटा sin 2x प्लस जो अल्फा है वो आ रहा है आपके पास, और एक आ रहा है मेरे पास प्लस में sin अल्फा into dx। तो इन देखो दोनों सवालों को हम बारी बारी से भी हल कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले देखो मेरे पास यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर जो आपका मान यहाँ पर आ रहा है sec x dx, और रूट में आ रहा है मेरे पास कितना sin 2x प्लस अल्फा प्लस sin अल्फा, ये सवाल है। अब सीधी सी बात है ऊपर sec x है और अंदर वाला मान आपका ये, तो देखो ऊपर आपको अगर tan को पुट करते हो tan मान के तो आपको ऊपर कम से कम क्या चाहिए sec स्क्वायर x की कंडीशन चाहिए। अब वो कंडीशन लाने के लिए क्या करना आपको, तो देखो इसमें आप ऐसा कर लो, पहले इसमें आप sin c प्लस d का सीधा सूत्र लगा दो, ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, चलो इसमें आपने सीधा अपना फॉर्मूला लगाया sin c प्लस sin d का, तो देखो जो क्या होता है आपका, आप जानते हैं sin c प्लस sin d बराबर क्या होता है, जो होता है 2 sin c प्लस d बटा 2 और cos c माइनस d बटा 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब जब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे तो आपके पास यहाँ पर मान क्या रहेगा 2 sin, अब c का मान तो मेरे पास क्या है 2x प्लस अल्फा, और d का मान मेरे पास क्या रहा है अल्फा बटे में 2, ये इसका कोण है भी, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या आएगा cos c माइनस d यानी 2x प्लस अल्फा माइनस अल्फा बटे में 2, ये लगा दिया आपने। अब देखो जब आप इसको आगे सल करते हैं तो आपके पास या तो मान आ रहा है sec x dx आ रहा है, पर भी बटे में मेरे पास रूट में मान क्या रहा है इसमें 2 sin, इस मान में आप क्या करने हो आपके 12 होगा जुड़ के, और जब इसमें भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा sin x प्लस अल्फा, आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका अल्फा दोनों में कट हो रहा है, अभी ये 2 भी कट रहा है और मेरे पास क्या जाएगा ये cos x मान आपका यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया है। अब देखो ऊपर तो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर sec x dx, अब यहाँ देखो रूट में मेरे पास 2 तो है ही, अब देखो आप यहाँ पर sin a प्लस b का प्रसार कर दो आप, जो होता है sin a और cos b प्लस में cos a, सॉरी यहाँ पर अल्फा, ठीक है ना, ये sin a cos b, फिर बाद में आ रहा है मेरे पास cos x और यहाँ पर आ रहा है sin अल्फा, और बार इन तुम क्या रहा है cos x से ये ऊपर dx है वाले से। अब देखो इस sec x को sec स्क्वायर x बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बार cos x चाहिए, तभी पता है वो sec बनेगा। अब cos x बार कब आएगा, जब अंदर cos स्क्वायर x होगा तब आएगा हमारे पास, तो ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ sec x dx द्वारा मेरे पास सेम, अब देखो रूट में मैंने क्या कर लिया है, देखो 2 cos x से तो देखो पहले से बार पड़ा है यहाँ पर, ये cos x मैंने इसके आगे लिख दिया है, ये तो पहले से बार पड़ा है ही ना। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट में से मैंने क्या कर लिया है, देखो इसमें से मैंने cos x को बार कॉमन लिया है, यानी यूँ मान लो कि मैंने cos x से बार गुणा भी कराया और साथ में मैंने cos x को इस पूरे ब्रैकेट में क्या किया, इसका मैंने डिवाइड भी कर दिया साथ में, मैंने दोनों काम कर दिए, मैंने बाहर cos x से गुणा करवाया है और ब्रैकेट में cos x का मैंने क्या कर दिया है भाग लगा दिया है, दोनों काम मैंने एक साथ कर दिया, यहाँ पर ये गुणा, ठीक है ना, cos x sin अल्फा, ठीक है ना। अब ऐसा करने से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखो जब आप इसको सल करोगे आगे तो आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, यानी ऊपर तो आ रहा है मेरे पास कितना sec x dx ये आ रहा है, जबकि देखो यहाँ पर रूट वाले जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या रही है, देखो ये 2 cos स्क्वायर 2x है, देखो एक तो मेरे पास यहाँ पर क्या रहा है ये 2 cos स्क्वायर x आ गया यहाँ पर ये सेम, और अब देखो ब्रेकेट के अंदर वाला माना देखो आपका क्या बन जाएगा, इस cos x का भाग आपने पहले इसमें क्या बनेगा tan x cos अल्फा बनेगा, तो ये तो बनेगा आपका tan x into cos अल्फा, प्लस जब आपने cos x का भाग उसमें जो उसमें cos कट गया ना आपका केवल क्या बचेगा sin अल्फा बचेगा, यानी sin अल्फा। अब देखो एक बटा रूट दो और cos x देखो ये दोनों आपके बाहर आ गए, ये रूट अलग है ये अलग आपका, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास sec x dx, अब देखो रूट में मान क्या आ रहा है मेरे पास tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा, ये मान आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। अब देखो उसमें क्या करना आपको, ये cos x ऊपर जाके क्या बना देगा इसको sec स्क्वायर बना देगा, यानी एक बटा रूट दो और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना sec स्क्वायर x dx और बटे में ये चलो इसको बाद में कर लेते हैं, नहीं आ ली तो मैं इसको 3 cos x प्लस 6
चार साइन एक्स, इस तरह की कंडीशन आपके पास को, ठीक है ना, इसकी बात बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास रूट में क्या रहा, बी टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखो इस टेन एक्स के अलावा सारे सारे के आपके पास अचर पद है, और अचर पद होने से मतलब क्या है कि आपका बस मेन जो प्रभाव किसका पड़ रहा है, इस टेन एक्स का पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट वाले मान को कंप्लीट को क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर मान लेंगे, ताकि उसका मान ऊपर क्या आपके पास अवकल आ जाए, क्योंकि अपरचर तो केवल टेन है ना, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है। तो मैंने इसमें यहाँ पर सीधा क्या कर लिया है, मैंने पुट कर दिया टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, उसके बराबर मैंने क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया है। और जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास मान कहेगा, ये कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है, इसका होगा मेरे पास सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टू टी डी टी, ठीक है ना। और अब देखो ये इसके डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आ गया टू टी अपॉन कोस अल्फा और डी टी, ठीक है ना। अब देखो इसमें वापस क्या करना है, ये एक बटा रूट तो आपका रह जाए बिल्कुल सेम यहाँ पर। अब देखो ये टू टी डी टी जो आपको प्राप्त हुआ है, ये आप यहाँ लिख दो टू टी डी टी अपॉन में कोस अल्फा, ये तो आपका इस पूरे किसका मान है, इसे इतने इतने का मान है, ठीक है ना यहाँ पर। अब साथ में आपके पास रूट टी भी तो आएगा, रूट स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा, टी बन जाएगा बारह करके, क्योंकि आपने क्या माना था इसको पूरे को टी स्क्वायर माना, बारह क्या होगा टी बन जाइए। अब टी से जाएगा कट सीधा, और टी कट होने के बाद में देखो आपके पास क्या हो जाएगा, एक बटा दो रूट दो कोस अल्फा है वो तो आ गया बाहर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, डी टी बचेगा, डी टी का जानते क्या होता है, ओनली टी समाकलन होता है, और टी का वापस आप पास क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ये इस तरह से जो आपका प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें एक प्रश्न और देख लो, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है थ्री कोस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, इस तरह की कंडीशन आई तो आपको इसमें क्या करना है। देखो आपको मैंने बता दिया अभी कि जब आपके पास मान लो इस तरह की कंडीशन आई, जैसे थ्री कोस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, इस तरह से आपके पास माना जाए, तो जब ऐसा माना जाए, मेरी बात सुनो, ऐसा माना है तो इसका अलग तरीका, और आपके पास अगर ऐसा माना है थ्री कोस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों का देखो अलग अलग तरीका है। ऐसा माना है तो क्या करना है, अंश और हर दोनों में कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना है, जिससे आपका यह मान तो बढ़ जाएगा टेन एक्स की फॉर्म में, इसका एक हो जाएगा इंटेस का ऊपर आ जाएगा मेरे पास क्या सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर टेन को पुट करते उसका ऊपर क्या जाएगा अवकलन, और उसको आप आराम से कर लेंगे। लेकिन जब स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आए और इस तरह से सिंगल फॉर्म में आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है क्या करना, आपको यहाँ पर दोनों के साइन और कोस के वो फॉर्मूले काम लेने हैं जो आपकी टेन की फॉर्म में हो। अब देखो टेन की फॉर्म में कौन से फॉर्मूले होते हैं आप जानते हैं, इसका मतलब है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और बटे में आ रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा टू टेन एक्स, और बटे में आ रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी दोनों के पहले आपने लगा दिया फॉर्मूले यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये कोस एक्स तो दोनों कोण एक्स है ना, तो यहाँ पर कोण क्या आएंगे आपके दोनों के, यहाँ कोण आएंगे यानी एक्स वाई टू आएंगे, एक्स वाई टू, ठीक है, कोण इनके आधे आ गए। अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, dx तो है ऊपर, यहाँ देखो इन दोनों में जब आप लघुतम लेंगे कितना, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू का आप लेंगे एलसीएम, तो आपके पास यहाँ पर माना जाएगा थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एट टेन एक्स वाई टू। अब इसके बाद में आप इस मान को ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका मान sec बन जाएगा, ठीक है ना, ये आया आपका sec स्क्वायर एक्स वाई टू dx, और देखो बट्टे वाले मान में आपके पास कितना रहे तीन माइनस तीन टेन स्क्वायर एक्स वाई टू और प्लस आठ टेन एक्स वाई टू। और अब आप जानते हैं कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स वाई टू होता है, तो आप सीधा पुट करेंगे इसमें क्या, जो टेन एक्स वाई टू है उसको आप t पुट करेंगे तो आपका मान आएगा sec स्क्वायर एक्स वाई टू, और अब जो एक्स वाई टू है उसका दोबारा से आप अवकलन क्या करोगे, इसका हो जाएगा एक बटा दो डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है ना। अब दो उधर आपका गुणन चला जाएगा तो मान आ गया sec स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स बराबर आ गया दो डी टी, और वापस जो आपका आई का मान क्या बनेगा, तो देखो दो तो है ऊपर हमारे पास, ये तो आ गया दो डी टी ऊपर वाला मान, तो अपोन वाले मान में आपके पास देखो अभी क्या देगा तीन माइनस तीन टी स्क्वायर और प्लस में आठ टी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अपनी पूर्ण वर्ग की विधि है वो आपको काम में लेनी है, जो आप पढ़िए ना पूर्ण वर्ग की विधि, यानी आप इसमें जो अपना इसका जो होल स्क्वायर वो बना लेंगे आप, ठीक है ना। जैसे आप इसमें माइनस कर देखो दो बटे तीन आपका बार कॉमन आ गया, इसमें फिर तीन कॉमन आ गया समय से, तो बचेगा आपका टी स्क्वायर, ये माइनस का आठ टी और बटे मारा इसके तीन, और ये माइनस में क्या देगा आपका एक आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसका जो होल स्क्वायर है वो आप यहाँ पर बना लेंगे, जिसका आप तरीका जानते हो पहले से क्या बनेगा, यानी ये माइनस का दो बटे तीन तो रहेगा बाहर मेरे पास यहाँ पर। अब डी टी अपॉन यहाँ पर इसमें आप क्या लिख दोगे,
इसको आप देखो t माइनस, अब देखो इसका आधा करना आपको 8/3 का आधा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आधा यानी 4/3 हो गया। तो आप देखोगे t माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, और साथ में इसको संतुलित करने के लिए आपको मान घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस में आप करेंगे 16/9 और साथ में आपका रहा माइनस में 1। अब इसको आप अलग से सॉल्व कर लेंगे तो आपका मानेगा माइनस में 2/3 और dt बटा ये आएगा t माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, और इस मान को जब आप सॉल्व करो तो आपका मान आएगा माइनस का 25/9 आएगा, यानी इसको आप माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर मान लेंगे। अब इसको आप अक्ष की तरह व्यवहार करोगे, इसको आप अचर पद की तरह व्यवहार करोगे। अक्ष की तरह व्यवहार तब करना है जब उसको आप देख लेना कि उसको अवकलन करने पर उसका मान हमेशा गुणांक 1 आना चाहिए, ध्यान रखना वो बिल्कुल आपका अक्ष की तरह क्या करेगा व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो अब आप इसका आराम से कर लेंगे और आप अपना यहाँ पर सूत्र लगा देंगे कौन सा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, और उस फॉर्मूले से आप क्या जाएगा इसका जो आंसर है वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये देखो मैंने आपको 9.2 से संबंधित जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे उनका मैंने आपको स्टडी करवाया है। अब आप देखो 9.3 से संबंधित जो कुछ मुख्य प्रश्न है वो, अब देखिए 9.3 से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न उनके बारे में, जैसे मान लो मेरे पास एक ये आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में रूट में क्या आ रहा है साइन टू एक्स आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो आप जानते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका अवकलन होता है, यानी ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसी कंडीशन का आपका जो अवकलन है वो आपको प्राप्त होगा। और इसी तरह मान लो अगर आपको साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स चाहिए तो आप ये किसका मिलेगा आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के द्वारा आपको प्राप्त होगा। हमेशा उल्टा याद रखना है, इससे आपको अवकलन ये प्राप्त होगा और इससे आपको अवकलन इस फॉर्म में प्राप्त होगा, हालांकि माइनस को मिलेगा वो आपकी बात वहीं पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है साइन एक्स प्लस कोशक, तो मेरे को बटे मान किसकी फॉर्म चाहिए, मेरे को ऐसी कोई फॉर्म चाहिए साइन एक्स माइनस कोशक की, ताकि मैं क्या बना सकूँ इसका जो होल स्क्वायर है वो यहाँ पर बना सकूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको रूट में, यानी आपने इसमें एक जोड़ दिया पहले एक बार, यानी आपने इसमें क्या लिख दिया है, पहले आप इसको रूट में लिखोगे 1 माइनस, क्यों मान आपको माइनस चाहिए ना, तो इसको आप बनाएंगे माइनस, और आप क्या लिखोगे 1 माइनस साइन 2x ऐसा लिखोगे पहले एक बार आप, लेकिन आपका तो ये मान प्लस में माइनस की से आप इसके आगे लगा दो यहाँ पर माइनस, अब मान आपका क्या बन रहा है प्लस बन रहा है ये बन रहा है माइनस का, तो इसे साथ में कर रहा प्लस में 1। अब देखो एक माइनस का बन रहा है, ये प्लस का बन रहा है, और ये प्लस का दोनों आपस में कट हो रहे हैं और क्या रहा साइन 2x आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना आपको, देखो यहाँ पर मेरे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये तो आ रहा है बिल्कुल सेम एक बार ऊपर, अब इसमें देखो रूट में आप इस एक को पहले एक और पहले ठीक है ना पहले आ गया। अब यहाँ पर क्या करना आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ रहा है माइनस में 2 साइन एक्स और कोस एक्स, ये शर्त लगा दिया आपने। अब यहाँ तो मान मेरे पास आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स, बटे वाले मान मेरे पास क्या आ रहा है अभी 1 माइनस, और इस मान को आप बना देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो मेरे पास मान आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, और बटे में देखो रूट में क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पर ये कंप्लीट फॉर्म आ रही है आपके पास। अब देखो इसमें क्या करना आपको, इस मान में आपको इसका जो अवकलन है वो ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है, तो सीधे इसमें क्या करें आप इसको पुट कर दें डायरेक्ट से रही, यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे आप साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर टी को पुट करा देंगे, तो साइन का तो अवकलन हो गया कोस एक्स, और माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर आ गया मेरे पास डी टी, ये ऊपर वाली फॉर्म आ गया आपके पास। अब इसको आप क्या ले देंगे वापस डी टी बटा, और आपके पास मान क्या रहा है रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जानते हैं साइन एक्स टी का फॉर्मूला होता है आपका, तो इसको लिखेंगे आप साइन इनवर्स टी प्लस में सी। अब टी का मान वापस कहाँ से लेके आना आपको, टी का मान वापस वहीं से लेके आना कहाँ से यहाँ से, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ रहा है और प्लस में सी, तो इस तरह से जो आप इसका समाधान है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया आपको अभी इस प्रश्न के बारे में। अभी इसी श्रृंखला में देखो मैंने कुछ मतलब मेरी दृष्टि से मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चयन किया है, तो अब अगला जो प्रश्न है मेरी दृष्टि से वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कौन सा, ये रहेगा यानी रूट एक्स समाधान में रूट एक्स बटा रूट में ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें आप एक्स को कुछ भी पुट करोगे तो आपको इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपने एक्स को क्या पुट कर दिया, आपने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ऊपर चलो साइन थीटा आ गया बार आपका, लेकिन नीचे वाला फिर बात क्या करोगे आप साइन स्क्वायर पुट करोगे तो, यानी साइन की पार्ट 6 थीटा साइन पार्ट 6 थीटा गया था कुछ नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि रूट एक्स लाना आपको, और रूट एक्स अवकलन किसका होता है, या तो रूट एक्स के अवकलन में रूट आता है, या जब इसकी पावर आप 3/2 ऐसी फॉर्म को लेंगे तब आपके पास इस तरह से आएगा। तो मैंने इसमें लिख दिया रूट एक्स, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है सेम, और इसको आपने ले दिया ए क्यूब माइनस जो एक्स क्यूब है, ये चलो ए क्यूब एक बार सेम पड़ा है, इसको आप क्या मान लेंगे एक्स की पावर 3/2 का आप इसको होल स्क्वायर मान सकते हैं,
क्योंकि वापस दो कट रहा है और गातिन बच रही थी। अब देखो इसके अवकलन में ये रूट आता आपका, पता है आपको, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे क्या, एक्स की पावर 3/2 बराबर है टी, और इसका अवकलन होगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 dx बराबर है टी टी। तो आपका माना गया 3/2 एक्स की पावर 1/2 dx बराबर है डी टी। अब देखो 3/2 मेरे पास सेम है, और अब रूटक्स ऊपर आएगा आपके पास dx बराबर आ रहा है डी टी। अब इनको उधर भेज दो आप, तो रूटक्स dx बराबर आ गया मेरे पास 2/3 डी टी आ गया। अब देखिए 2/3 डी टी जब आपके पास आ गया है, तो अब आप अपना मान वापस वहाँ रख देंगे फिर से, तो आपका आई का मान क्या देगा, 2/3 द्वारा 12 प्लस मेरे पास ऊपर आ गया डी टी। अब ये जो मान आपका रूट में वो क्या बनेगा, ये बनेगा ए क्यूब माइनस ये आपका आ गया टी स्क्वायर। तो 2/3 12 पहले से और डी टी अपॉन यहाँ पर मेरे पास क्या रहा, इसको आप क्या मान लेंगे, ए की पावर 3.2 का होल स्क्वायर इसको मान लेंगे आप, और साथ में क्या रहा मेरे पास है टी का स्क्वायर। अब सीधा फॉर्मूला बन रहा आपका कौन सा, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट राशि है ना, क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो क्या होता है आपका साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो इस तरह से इसका जो समाधान है वो आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको अभी 9.3 से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में बताया, बाकी अगर आपको कोई प्रश्न और पूछना है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आप आराम से पूछ सकते हो। अब देखो 9.4 से संबंधित कुछ प्रश्न है उनकी मैं आपको अभी स्टडी वो करवा रहा हूँ। देखो एक तो देखो पहले छोटी सी बात आप ये जान लो कि जब आपके पास कोई भी सवाल में बट्टे में 3 अगर रेखीय पद आ जाए गुणनफल में, तो उनका मानने का तरीका क्या होता है आपका, ए बटा एक्स प्लस की हो जाएगा और बी बटा एक्स प्लस बी हो जाएगा और सी बटा एक्स प्लस सी। इस फॉर्म से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जब आपके पास एक तो रेखीय फॉर्म है और एक आपका होल स्क्वायर फॉर्म है, तो उसको क्या मानना, देखो ए बटा में आ जाएगा आपका एक्स प्लस ए और बी के बटे में आएगा एक्स प्लस बी और साथ में सी के बटे में क्या आएगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्म इस तरह से माननी होती है, ठीक है। पर जब आपके पास एक रेखीय का जर एक अगर द्विघात आ जाए, तो इसमें क्या करना आपको, एक को तो मानना है ये और दूसरे में आपको बी एक्स प्लस सी मानना पड़ेगा। जब द्विघात आ जाए ना, यानी जिसके फैक्टर करना आगे संभव नहीं हो, तो उसको मानना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी और साथ में जो आपका मान हो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाली, ये फॉर्म आपको लेके आनी है। तो ये हमने अभी क्या सीखा है, इस सवाल के बारे में सीखा। अब देखो जो नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अब देखिए कुछ और प्रश्न की देखो हम बात कर रहे हैं। मतलब मेरे पास यार है डी एक्स बटा साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, ये फॉर्म आ रही है मेरे पास। अब देखो इसमें करना क्या आपको, यहाँ पर आप ऐसा करें तो डी एक्स तो रखना सेम आपको, एक बार इसमें आपने साइन एक्स को सेम लिख दिया है, एक बार आप इसको लिख देंगे 2 sin x और ए cos x, ये फॉर्म आप एक बार इसमें लगा देंगे। अब ऐसा करने के बाद देखो क्या है आपके पास, ऊपर तो आ रहा है यहाँ पर डी एक्स और देखो अपॉन में आपने जो साइन एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 cos x, ये मान आपका भी वो बच गया है। अब देखिए आपको पता है कि नीचे वाला मान आपके साइन कोस दोनों फॉर्म में आ रहे हैं, ऊपर आपके पास ओनली क्या रहा है डी एक्स आ रहा है। तो अब देखो इसको तो कोस बनाना साइन बनाना संभव है नहीं, लेकिन इसको आप कोस बना सकते हैं। कैसे, आप साइन एक्स इसको ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, यानी साइन एक्स से ऊपर भी गुणा कर दिया और साइन एक्स को इससे भी गुणा करना, क्या आगा मान आपका साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ रहा है 1 + 2 cos x। अब देखो ऊपर वाला मान तो आ रहा है साइन एक्स मेरे पास, यहाँ जाएगा 1 - cos² x इंटू में आ रहा है 1 + 2 cos x। अब उसके बाद देखो क्या करना है कि ये ऊपर वाला मान ये तो मेरे पास है साइन एक्स डी एक्स, अब यह वाला मान आपका जाएगा 1 - cos x इंटू में 1 + cos x और साथ में ये क्या रहा है 1 + 2 cos x। अब देखो इसमें आपको पता है कि जैसे आप कोस को पुट करेंगे, तो कोस को पुट करते ऊपर उसका अवकलन साइन आ रहा है ना, तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया क्या कोस एक्स बराबर टी, तो माना आपका आ गया साइन एक्स डी एक्स बराबर आएगा माइनस का डी टी और आई का मानेगा माइनस में डी टी अपॉन और यहाँ पर इसको क्या बनाएंगे आप 1 - t और 1 + t और 1 - 2 t। अब इनको आप ए बी सी में तोड़ के, वैसे तो अपना जो बिनों में तोड़ने वाला रूल है वो आप इसमें लगा के आगे इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखो कुछ इसी तरह के और भी सवाल है, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्नों की। अब जैसे मान लो मेरे पास ये प्रश्न आ रहा है कौन सा, यानी अब देखो ये तीनों प्रश्न आप देखिए इनको, ये प्रश्न और ये प्रश्न, तीनों प्रश्नों का एक ही तरीका करने का। जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डी एक्स बटा एक्स एक्स की घात एन माइनस वन इसके हिसाब से, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पता है कि x की घात n का तो आप इसमें को रूल लगाएंगे नहीं, तो इसको देखो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
इसको जब आप पुट करते हैं तो ऊपर क्या चाहिए, इसका कोई आपको अवकलन चाहिए, तभी तो आप इसको पुट कर पाएंगे ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको अक्स की पावर जो एन माइनस एक है उससे आप इसको ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या लिख दिया, इसको अक्स की घात एन माइनस एक से ऊपर गुणा कर दिया, और यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, अक्स की घात एन माइनस एक से इसको गुणा कर दिया। अब ऐसा करने से क्या आएगा आपके पास, ऊपर तो आ रहा है मेरे पास अक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना, अक्स की घात एन और अक्स की घात एन माइनस एक। अब जब आप अक्स की घात एन को टी पुट करते हैं तो आपको पता है ऊपर क्या आ रहा है, उसका अवकलन आ रहा है, और आराम से आप इसका जो अवकलन है वो सॉरी समाकलन आप इसका कर सकते हो। यानी आप पुट करेंगे क्या, अक्स की घात एन बराबर टी, तो आपके पास आएगा एन एक्स की घात एन माइनस वन डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी, और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर आएगा डी टी अपॉन एन। अब इसको जब आप आगे लिखोगे तो आपका मन आएगा एक बटा एन, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है डी टी बटा यहाँ पर टी इंटू टी माइनस वन। अब आप इसको ए बी सी में तोड़ने वाला रूल ही आपका, यानी आप लिखोगे एक बटा टी इंटू टी माइनस वन में क्या लगेंगे आप, एक बटा यानी ए बटा तो क्या रहा मेरे पास टी प्लस बी बटा टी माइनस वन। अब इसका तरीका जानते हो आप आगे, इसको सल करके ए बी का मान निकालना है, फिर इनका आपको अलग अलग जो समाकलन है वो करके जो अपना आंसर आपको प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम इसी तरह से जो आप अपना रूल आगे है वो इन दोनों प्रश्नों में देखो लगा सकते हो। एक तो आप इस प्रश्न में अपना ये रूल लगा देंगे, देखो यहाँ पर अक्ष की घात पाँच है, यहाँ पर अक्ष है, तो क्या करेंगे आप, देखो अक्ष की घात पाँच के अवकलन में चार आता है ना, तो अक्ष की घात चार से ऊपर गुणा कराओ, यहाँ पर भी गुणा कराओ अक्ष की घात चार से, तो ये क्या बन जाएगा, अक्ष की घात पाँच बन जाएगा। अब इसको पुट किया ऊपर उसका अवकलन, ठीक है, सेम वही तरीका। जब आप इस प्रश्न को करेंगे हल तो देखो यहाँ पर अक्ष की घात एन है, तो फिर वही तरीका आप क्या करेंगे, ऊपर अक्ष की घात एन माइनस वन से गुणा करेंगे, और यहाँ पर भी आप अक्ष की घात एन माइनस वन से गुणा, तो यहाँ पर आएगा अक्ष की घात एन माइनस वन डी एक्स, और यहाँ पर आएगा अक्ष की घात एन ए प्लस बी एक्स की पावर एन, ठीक है ना। अब इस अक्ष की घात एन को टी पुट करना, ऊपर क्या रहा उसका अवकलन आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ये प्रोसेस आपको इस पूरे प्रणाली में लगानी है। और अब देखो दूसरे में बात करते हैं आगे किसकी, अब जैसे मान लो एक प्रश्न आपको इसमें ये इस तरह का प्रश्न है, इसमें आप हर का प्रमेयकरण करके करोगे तो आपका सवाल हल नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो इसमें तोड़ने वाला रूल है वही आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यानी आप इसको ए बी सी की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप इसका जो उत्तर है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब तोड़ना कैसे है, एक बार आप इसको ऐसा करो, मान लो एक बार आप मान लिया, आपने माना कि एक बार आपका कोस एक्स क्या है, बिल्कुल एक्स के समान व्यवहार कर रहा है, पुट करके दिखाना नहीं है केवल आपके समझने के लिए। तो आपके पास ऊपर तो आ रहा है वन माइनस कोस एक्स सॉरी वन माइनस एक्स, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एक्स इंटू वन प्लस एक्स। अब देखो इस सवाल में आप क्या करते हो, इसमें आप ऐसे पुट कर देने, ए तो आएगा मेरे पास ए बटा एक्स, एक आएगा बी बटा वन प्लस एक्स, ऐसे तो आप इनको मानते हो ना। जब इसमें आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स इंटू वन प्लस एक्स लघुत्तम लिया, तो आपका मान क्या आ गया ए इंटू वन प्लस एक्स, और यहाँ पर आ रहा है पी एक्स। फिर आपने इन दोनों काटा तो मेरे पास आ रहा है वन माइनस एक्स बराबर यानी ए प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब आप इनके गुणा को तुलना कराओगे तो ए का मान तो आपके पास क्या देगा, ए का देगा, और जो एक्स का मान है मेरे पास जब सॉरी इनकी तुलना कराओगे आप तो ए प्लस बी का मान मेरे पास क्या आएगा, माइनस का ए का देगा। अब जब आपको ए का मान एक पता है तो बी का मान यहाँ पर कितना देगा, बी का मान आपका देगा माइनस में दो, ठीक है ना। अब इनको वापस आप क्या लिखोगे, यानी ए का मान तो एक हो ही गया, और एक्स का मान वास्तव में क्या था आपका, कोस एक्स था, प्लस बी का मान वास्तव में क्या था आपका, माइनस में दो था, और बटे में आ रहा है वन प्लस कोस एक्स। तो इस सवाल को आप इस फॉर्म में ऐसे तोड़ के आगे हल कर सकते हैं, यानी ये सवाल आपका इसी फॉर्म में आ गया, क्योंकि अब इसको आप आगे सल करो तो सेम टू सेम आपके पास ऊपर वाली वही फॉर्म आएगी। एक बार दिखाऊँ सल करके, यानी जब आपने इसमें लघुत्तम लिया कोस एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स लघुत्तम आएगा तो आपका मान, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ तो बचेगा वन प्लस कोस एक्स माइनस टू इंटू, और जब आप इसका डिवाइड क्या बचेगा आपका मान टू कोस एक्स बचेगा। अब देखो सल करने पर वापस वन माइनस कोस आ रहा है ना, तो इसलिए आप इसको अलग अलग लेके कर सकते हो। अब इस एक बटा कोस एक्स है इसका तो आप करेंगे अलग से, और जो दो बटा वन प्लस कोस एक्स है इसका आप करेंगे अलग से समाकलन, तो दोनों का अलग अलग समाकलन हो जाएगा, और आराम से आप जो अपना उत्तर है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सेक बनेगा, सेक का सीधा होता है। इसमें क्या करना आपको, इसमें हर का प्रमेयकरण करने वाला अब रूल आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि अभी सिंगल फॉर्म में आ गया है, और इसका जो उत्तर है वो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें हर के प्रमेयकरण का लगा दो, चाहे इसमें कोस से एक कटने वाला रूल है वो भी आप इसमें लगा सकते हो। तो देखो आज मैंने आपको ये 9.4 तक है उनका रिविजन करवाया है, अब जो शेष 9 की प्रणाली बची है उसका रिविजन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, 9.1 से लेकर के 9.4 तक के सवाल है वो एक बार दोबारा से निकाल लें। अगर आपको कोई प्रश्न में कोई एग्जांपल में कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप मेरे को मैसेज के द्वारा लिख के बता सकते हैं, और आपके सवाल की समस्या का
समाधान करने का जो हर संभव प्रयास हो किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।